एक्सपीरियंस लेकर आओ हर चीज का। अभी हम जा रहे हैं, चलिए होने यार, चलो चलो जस। अभी असली मजा तो अभी आएगा, पक्षी मल्ल की सबसे बढ़िया मूर्ति एक रह रही है, शिव जी की मूर्ति है, वो भी देखने चलते हैं। वो बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर मिलेगी आपको। कितने मिनट का रास्ता है यहाँ से? अभी है आधे घंटे का, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। सबसे पहले वो फर्स्ट बंदर वो जा रहा है, चलो जाओ। सो गाइस सच में यार बहुत एक डेंजरस प्लेस है ये, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो कोई नहीं, चलते हैं, चलो आ जाओ। नंबर पे जस्ट सेकंड पे मैं आऊँ और बाकी भी पर्सन है, एक दूसरे को फॉलो करते और जाएंगे एक दूसरे की हेल्प करते हुए। ओफ राजा जी, कैसे फील हो रहा आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने टाइम बाद आ रहा हूँ। ओ यार टी शर्ट, एक तो ना टी शर्ट है, आधी बाजू की टी शर्ट नहीं पहन कर आनी चाहिए, देख के थोड़ा सा ठीक है, फुल बाजू होना चाहिए, कुछ भी पत्ते भी है ना जो कंडे ही जैसे हैं वो। भाई जी देखो ऐसे ऐसे पहाड़, एक तरफ से मतलब कि खाली रास्ता है, गिरने का डर है, और दूसरी तरफ सामने वाला देखो। ओके सो पीछे से आवाज आ रही है, जो गिरने लगा अपना फोन छोड़ देना, सब फोन के लालची। लाइफ में हर चीज फर्स्ट टाइम होती है, तो आज मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो भी है। ये भाई लड़का है, वीडियो शूट रहा है, ये वीडियो अच्छी तरह से शूट कर रहा है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, रास्ता भी काफी खतरनाक है, लेकिन हमने हार नहीं माननी है, जाना है। बिल्कुल इतना अब ये देखो रास्ता कितना छोटा सा है, लेकिन फिर भी जाएंगे। पीछे देखो पीछे, डर भी लग रहा है यार। अभी और भी ऊपर जाना है यहाँ से, अभी ऊपर जाना है। मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है, मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है, व्यू देखो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं सामने, पूरा कालका दिख रहा है यहाँ से। बांस मिलेंगे देखने के लिए गाइस, बैम्बू बैम्बू बोलते हैं इसको। ये देखो वो व्हाइट वाला बंदर बहुत जा रहा उधर, ये कहता कितने, एक ये आ गया और एक ये मेरे पीछे हो। बट एक चीज़ है, यहाँ पे आके ना थोड़ा सा टेम्परेचर है ना डाउन हो गया, थोड़ी सी ठंड लग रही है यहाँ पे, ठंडी सी है। बस चलिए यार, फोटो शूट हो गया बहुत, चलो भाई फोटो शूट, निकलो निकलो भाई। एकदम से इतनी चढ़ाई है ना यहाँ पे यार, सच में रिस्क तो रिस्क ही होता है, बट ये वाला ना थोड़ा सा अलग था। बस ना तो हमने कुछ खाया यार, ठीक है पता नहीं था अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा तो, और आज नींद आनी है ना जो रात को स्टार्ट हो चुका है, बहुत भयंकर नींद आनी है आज रात को, और रूम भी शिफ्ट करना आज नहीं कुछ होएगा हमारे से। ये देखो भाई इधर देखो रास्ता सीधा नीचे की ओर, पता नहीं कहाँ जा रहा है, खाई है ये। और यहाँ की झाड़ियाँ भी ना इतनी खतरनाक है यार, अगर आपकी बॉडी के साथ टच हो जाती है ना तो आपको एलर्जी हो सकती है खारिश, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए यार। कभी भी आप आते हो ना पहाड़ी एरिया में जाए ऐसे, तो यार हो सके तो ना एक तो टी शर्ट होती है पूरी पहनो यार, सेफ्टी के साथ जाओ, अपने शूज वगैरह प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए ट्रैकिंग वाले, और आपके साथ एक स्टिक होनी चाहिए, स्टिक भी होनी चाहिए, क्योंकि चलो हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और कुत्ते भी जंगली हैं बिल्कुल। सही बात है, हमने भी ये चीज़ सीखी आगे से, जब भी आएंगे ना तो पानी की बोतल और खाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यार एक्स्ट्रा, और एक किट होनी चाहिए उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट एड होना चाहिए थोड़ा बहुत। दो हमारे फ्रेंड से पीछे जो उनके बिल्कुल वो भी पीछे बैठे हैं, थक चुके हैं बहुत ज्यादा, वो आगे किरण की कुछ दिख रही है बिल्डिंग्स, मंदिर है गाइस, वो वहां पे चलते हैं, चलो शुक्र है पहुंच गए। सो हरे भाई देखो यार, ये चीज मैं देखता हूँ ना जब ग्रीनरी देखता हूँ तो बस, सबसे पानी भी नहीं है पीने के लिए, पानी थोड़ा सा ध्यान से यार, टैंकी वगैरह है यहाँ पे, देखते हैं पानी के लिए कुछ मिलता है या नहीं है, बस पानी पे यार यहाँ पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते यार। लॉकडाउन करके ना बहुत सारी चीजें हैं ना यार, बहुत सारी चीजें हो गया यार, यहाँ पानी
पंडित भी नहीं है यहाँ पे, भी लोग भी नहीं है, बहुत कम। वो वाइब व्यू दिखाता हूँ आपको, आपको दिखाता हूँ चीज जो हम देखने आए हैं। सुपर, एकदम सुपर, जिसको बोलते हैं ना सुपर। उधर देखो, पीछे देखो गाइस, दिख ही नहीं रहा, पीछे छोटे छोटे घर हैं, वो दिख ही नहीं रहे बिल्कुल भी, थोड़ा सा धुंधला धुंधला है फोग सा। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं, करो क्या, गद्दे लेके आ रहा मैं भी, यही कह लगा यार, मन कर रहा है कि यहाँ फ्लैट ले लेंगे, यहाँ पे फ्लैट लेने, वहाँ ऊपर पहाड़ी पे वहाँ पे लेना है, वहाँ पे चले पूछने, चाहे 1000 रुपये रेंट, 10,000 क्यों ना रेंट हो, एक दिन दे देंगे रेंट। सो गाइस बहुत बहुत कुछ देखने को मिला, और एकदम ठंडी ठंडी हवा है। ओ भाई क्या सीन है, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और ऊपर सूरज है, और आगे की तरफ दूर ज़्यादा नहीं देख सकते क्योंकि वो ना एक फोग सा बन रखा है यहाँ पे वेदर की वजह से। ये देखो पीछे शिव जी की मूर्ति है, ये देखो कालका के अंदर है। सो गाइस बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, आप भी यहाँ पे आ सकते हो, व्यू देख सकते हो। यहाँ पीछे देखो पूरा कालका का व्यू दिखेगा आपको, पीछे से पूरा कालका का व्यू, और इधर से भी आप जाते हो बैकग्राउंड बाउंड्री पे, भाई पीछे भी देखो कुछ इस टाइप का व्यू मिलेगा आपको। चलते हैं यहाँ पे, बाय बाय। अब जल्दी जाना है क्योंकि जंगल के बीच से जाना खतरनाक रास्ता भी है, और नाइट भी हो रही है, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है शाम के टाइम कुछ भी हमारे साथ ऐसा सीन हो जाए जो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सो ये मेरा फ्रेंड देखो, बुरी हालत है। सो ये देखो गाइस, हरे भाई देखो नीचे का ही है यार, एक अलग सा ही माहौल क्रिएट होता है यहाँ पे, फोटो कितनी सोहनी आनी यार। गाइस कुत्ते का खूब डर डर है यहाँ पे, और ये कोई डर नहीं है। ओ गाइस सीन हुई हो गया तगड़ा यार, शिकारी ठंडा हो जाए प्लीज, कूल डाउन कूल डाउन, भज गए एकदम एकदम भाग के। अभी हमने आंटी से पूछा, आंटी पानी पीना, आंटी बोल रही मैं आ रही हूँ, और ये ज्ञानी है बोलता है आंटी सत श्री अकाल आंटी जी। अभी कुत्ते से बचे यार बार बार यार। सो गाइस चलते हैं यहाँ से क्योंकि अब नाइट भी हो रही है ना, जाना बेहतर है क्योंकि जंगल पहाड़ियों के बीच से जाना पड़ना है यार, रास्ता भी आपको दिखाया खतरनाक था ना, मैं नहीं जाता हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हो। अभी हम सारे रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए, सो हम चलते हैं यहाँ से। सो क्या कर रही है, सो गाइस चलते हैं यार, अब मेन मेन शॉट ही दिखाएंगे आपको। सो गाइस यहाँ से अब हो रहे हैं हम फारिक, सब कुछ घूम लिया, एंजॉय मस्ती खूब की हमने, रेडी हो जाने के लिए। यस सर, मजा आया। यस सर, चलो यार, रोब की तरह जैसे पढ़ाया गया है सर सर। सो गाइस चलते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो पीछे सारी लाइफ पीछे रहते हैं, तो नहीं रहेंगे यार, आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो आगे नहीं बढ़ने देते, जाते टाइम भी इन दो बंदों ने हमें खराब किया, ना बढ़ते हैं ना बढ़ने देते, वापस जा रहे हैं तब भी देखो कभी शूज डाल रहे हैं, कभी कर रहे हैं, भाई मजे नहीं ले पाते कुछ लोग, तो यार घूमने के लिए आते हैं, अरे ऐसे लोग यार गांव मत ही घूमने आओ।
गाइस अब हम निकल गए यहाँ से, अब खतरा रहेगा फुल यहाँ पे। ये देखो गाइस का क्या करेगा तू, जहाँ पे लिखूंगा। ओ यार बस अब तो पानी मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, पानी नहीं लेकर आए। हम साथ हैं, कुछ भी नहीं लेकर आए यार, कुछ भी यार। आप आओ ना कुछ खाने पीने के लिए चीज तो लेकर आओ यार। सो गाइस ऐसे ट्रैकिंग, हमारा एटीएम भी रास्ते में खो गया, ये सरासर झूठ है। अगर एटीएम होता तो उसमें जीरो बैलेंस ही शो होता गाइस, तो इसलिए एटीएम की तो बात ही मत करो आप। सो गाइस ये रास्ता स्टार्ट हो चुका है, ये वही रास्ता है जिससे हम जहाँ पे मंदिर में आए थे। सो गाइस हम आ तो गए, अब जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो अंधेरा भी हो गया है बिल्कुल। सो गाइस अब डर भी लग रहा है, बट सो गाइस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बहुत ही घना जंगल है। सो गाइस यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत तो यही है, के लिए अच्छा साधन है। ओ धक्का क्यों लगा, ओ यार मैं तो ओए 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 मां चीज ना करो कदे, ठीक है सही गल है, फड़ के तो आई छाप दे। ओए चढ़े एक घंटे के अंदर, लेकिन उतरेंगे उतरने के तो 5 मिनट में, चढ़ने के लिए थोड़े। ये देखो ये ऐसे ऐसे बंदे यार, रुका भी नहीं जाएगा। सो भाई सच में रास्ता तो है थोड़ा सा, ये देखो ये पक्का गिरेगा। भूख लग रही है यार सच में यार, खाने के लिए हम सब पत्तियां से गुजारा करना पड़ेगा शायद, हो सकता है तो थोड़ा सा कबूतर की तरह बिना फालतू में फड़फड़ फड़फड़ करते रहने ना, ये बनता है। मजा आ गया अब गिर के, लगी तो नहीं हाथ पे, लगनी भी चाहिए तेरे भाई, तू बहुत टाइम से चोड़ जो कर रहा था। बहुत ही नजदीक आ चुके हम, ये घर दिखने स्टार्ट हो गए हैं, देखो कितना ऑसम व्यू है। पहुंच चुके हैं हम गाइस वही पत्थर के पास, वही जो पत्थर जहाँ पे हम पहले थे। ये देखो हमारा एक फ्रेंड पहले पहुंच चुका है वहां पे। गाइस अब यहाँ से निकले रहे हम, बहुत मजा आया यहाँ पे, बहुत चिल गया यार, बहुत चिल किया और फोटोज वगैरह मस्ती खूब मस्ती करी यार। सो अब शाम भी हो चुकी है और दो फ्रेंड वो तो अभी हमारे से आगे हैं, वो नीचे गए हैं अभी, और हम भी जैसे जिस रास्ते से आए थे वही उसी रास्ते से हम वापस जाएंगे। सो गाइस अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अगर कुछ कमेंट भी कर देना भाई, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। और आपको कैसा लगा राजा जी यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पे आके, तो पहली बार आए थे तब थोड़ा सा नहीं था यार ना हरियाली लेके, तो इस बार आए तो पूरा हरा भरा जंगल देख के ना तो दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। आप भी जरूर आना यार, आप भी जरूर आओ, विजिट करो यहाँ पे कालका में। सो थैंक यू गाइज, लव यू, बना ओके, बाय बाय।